नहाए खाए से शुरू हुई छठ पूजा आज उगते सूर्य को अर्घ देकर खत्म हो गई। रायबरेली के सई नदी के दो घाटों सहित शारदा नहर पर सुबह से छठ व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंचे और पूरे विधि विधान से छठी मैया का पूजन करने के बाद उगते सूर्य को अर्घ दिया और अपना व्रत तोड़ा। व्रत तोड़ने के बाद लोगों ने वहीं पर मौजूद लोगों को प्रसाद बांटा। छठ का पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सृष्टि को मनाया जाने वाला यह हिंदू पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि विधान पूर्वक पूजा होती है। इस महापर्व को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पूनम कुमार लोगों। ये छठ पूजा का मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है? ये छठ पूजा सुहागनों के लिए होती है, जैसे औलाद मिलता छठ मैया से औलाद देती है और दुआ करती हूँ छठ मैया सबका मनोकामना पूरा करे, सबको औलाद दे, विश्व में शांति रहे। और हम किन्नर समाज जो है छठ मैया की पूजा करती हूँ, प्रसाद बांटती हूँ और महिलाओं को आशीर्वाद देती हूँ, जिसको संतान न उसे संतान देती हूँ और दुआ करती संतान के लिए छठ मैया से और मनोकामना यही पूरा कर छठ मैया करती काम मनोकामना पूरा कर छठ मैया सब महिलाओं की छठ मैया सब महिलाओं की छठ मनोकामना पूरा करे और दुआ करती हूँ छठ मैया से कि जितनी हमारे जिससे महिलाएं हैं जितने नारी सबका भला करे और यही है मनोकामना उनसे मांगती हूँ, इसीलिए मैं प्रसाद बांटती हूँ, सबको आशीर्वाद देती हूँ।